हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर रितु बख्शी, डीएलएड के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है पर्यावरण अध्ययन के आंकलन उपकरण, विशेषताएं और चयन के आधार। प्रिय छात्र छात्राओं, पर्यावरण अध्ययन के आकलन उपकरण की जब हम बात करेंगे तो ये आकलन उपकरण बाकी अध्ययनों से अलग किस तरह से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें हम आंकलन उपकरणों की विशेषताएं और इसको चयन किस तरह से किया जाता है इसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि आकलन है क्या है। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आकलन क्या नहीं है। आकलन तुलना करने के लिए नहीं है और ना ही एक दूसरे के खिलाफ या कुछ निश्चित मानदंडों के खिलाफ बच्चों को रैंक करने के लिए है। ये शिक्षक को मदद करता है इस तथ्य का विश्लेषण करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इसी के साथ आगे सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रदान करता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, कहने का तात्पर्य ये है कि सारा का सारा हमें जो ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि बच्चा अपनी उपलब्धि और अच्छा प्रदर्शन और आगे सुधार सुनिश्चित करना, ये आकलन के बहुत ही विशेष बिंदु हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। अभी अगर हम और थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचें तो EVS, जिसको पर्यावरण शिक्षण भी कहते हैं, इसके सीखने के उद्देश्यों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये तीन तथ्य शामिल हैं और इसीलिए आकलन के लिए कई आकलन तकनीकों की आवश्यकता है। तो आइए आज हम यही सब तकनीकों को विस्तार से जानें और देखें कि EVS में आकलन के लिए प्रभावी ढंग से क्या क्या तरीके जो हैं वो अपनाए जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आकलन की परिभाषा। तो परिभाषा से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है बच्चों की अभिव्यक्ति, क्षमता और अनुभूति आदि का मापन करना। क्षमता जो कि बच्चों के अंदर पहले से ही छिपी होती है, ये जो आज की हमारी शिक्षा है, आज तक की हमारी जो शिक्षा रही है वो क्षमता को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रही है। जबकि शिक्षा का सही अर्थ तो था अपना जो भी बच्चों के अंदर प्रतिभाएं छिपी हैं, क्षमताएं छिपी हैं, उसको बाहर निकालना। तो कहीं ना कहीं हमने शिक्षा के अर्थ को अभी तक अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं किया है। तो ये आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है इसको अच्छी तरह से इस चीज़ को सोचने में कि हम आकलन करें बच्चों का तो किस तरह से करें। सीसी रोस के अनुसार आकलन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जाँच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कवालेन और हन्ना के अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। व्यवहार परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि शिक्षा का जो ध्येय है, शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। ये आमतौर पर सहमति है कि पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्यों में और वातावरण जो कि प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सांस्कृतिक है, टेक्नोलॉजिकल है, इसके आपसी संबंध में जागरूकता और समझ को पैदा करता है। पर्यावरण शिक्षा ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण से संबंधित है और इसका उद्देश्य जिम्मेदार पर्यावरण व्यवहार पैदा करना है। हमारे तीन जो उद्देश्य शिक्षा के हैं, नॉलेज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, ज्ञान, मूल्य और दृष्टिकोण, इन तीनों चीज़ों का पर्यावरण शिक्षा में बहुत ही महत्व है। और जब भी हम आकलन उपकरण बनाते हैं पर्यावरण शिक्षा को देखने के लिए तो इन तीनों मूल्यों को उजागर करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। अभी हम जानेंगे कि लक्ष्य क्या है। पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य जो है वो युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में जुनून जगाना। अब मैं युवाओं की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा प्रिय बच्चों जिसमें कि पूरी विश्व के मुकाबले में भारत में सबसे ज़्यादा युवा होने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि मेरा भारत महान, मेरा भारत जवान बन जाएगा।
तो इसलिए युवाओं में, युवक और युवतियों में पर्यावरण संरक्षण में जुनून जगाना, ये इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। पर्यावरण जागरूकता, ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना, युवा लोगों के व्यक्तित्व को बढ़ावा देना और उनके व्यक्तिगत विकास को आगे बढ़ाना, ये हमारे लक्ष्य हैं मोटे तौर पर पर्यावरण शिक्षा के। अब अगर एक शिक्षक के रूप में मैं बात करती हूँ, तो आकलन उपकरणों के फायदे और सीमाएं हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। चूँकि EVS पर्यावरण शिक्षण जो है वो जीवन कौशल से संबंधित है, इसलिए शिक्षकों को लगातार समय की मांग के मुताबिक आकलन उपकरणों को विकसित करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब कुछ प्रासंगिक आकलन उपकरणों की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो हैं अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अनुसूची, चेकलिस्ट, रेटिंग पैमाने, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग उपकरण। तो प्रिय बच्चों, ये जो आकलन के उपकरण हैं, ये पर्यावरण शिक्षा में जब हम इनको प्रयोग करते हैं, तो हम इनका आकलन बच्चों का बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आकलन करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें से एक है योगात्मक। ये योगात्मक आकलन जो होता है, जिसको हम सम्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, पीछे मुड़कर देखता है और जो पहले से सीखा गया है उसका निर्णय करता है। ये सामान्यतः परीक्षाओं के स्वरूप में आयोजित किया जाता है, जहाँ विद्यार्थियों को परीक्षा में प्रश्नों के प्रति उनकी उपलब्धियों को बताए गए श्रेणीकृत क्षेत्र दिए जाते हैं और उनके परिणामों की रिपोर्टिंग की जाती है। तो जो अंत में परीक्षा ली जाती है, योगात्मक आकलन वो होता है, जो कि हम पूरे साल में बच्चों ने क्या किया है उसको जब हम देखते हैं, उसका आकलन करते हैं, वो योगात्मक आकलन कहलाता है। दूसरा उद्देश्य जो है वो है निर्माणात्मक, जो कि पूरा साल भर, पूरे सत्र भर बच्चों का चलता रहता है और जिसका स्वरूप जो है अनौपचारिक और नैदानिक होता है। नैदानिक, निदान देना, बच्चों को रेमिडियल जो है कुछ चीज़ें ऐसी प्रदान करना कि उनकी शिक्षा में जो है वो निदान किया जा सके। शिक्षक उन्हें शिक्षण की प्रक्रिया के अंक के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यह पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने का इस्तेमाल किया जाता है कि क्या विद्यार्थी ने किसी चीज़ को समझा है या नहीं। इस आकलन के परिणामों को फिर अगले शिक्षण अनुभव को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मोटे तौर पर हम इसे निगरानी और फीडबैक, इस आकलन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा समझ सकते हैं। कुछ आवश्यक पहलुओं पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी प्रिय छात्रों। जो आवश्यक पहलू हैं, जब भी हम आकलन उपकरण के बारे में बात करते हैं, तो तीन आवश्यक पहलू इसके आते हैं, पढ़ाने से पहले, पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद। तो जब पढ़ाने से पहले की बात करें, तो एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो पढ़ाने से पहले आकलन क्या करना है, किस तरह से उसको करना है और बच्चे में क्या प्रतिभाएँ हैं उसको जानने की कोशिश करें। पढ़ाने से पहले आकलन से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि विद्यार्थी क्या जानते हैं और पढ़ाने से पहले क्या कर सकते हैं। यह आधार रेखा निर्धारित करता है और आपको अपनी शिक्षक योजना तैयार करने में बहुत ही सहायता करता है। पढ़ाते समय दूसरा जो इसका आवश्यक पहलू है, वो है पढ़ाते समय। प्रिय छात्रों, कक्षा में पढ़ाते समय आकलन करने में ये देखना शामिल है कि क्या विद्यार्थी सीख रहे हैं और उनमें सुधार हो रहा है। ये ज़रूर एक शिक्षक के रूप में आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि क्या उनमें सुधार हो रहा है। इससे आपको अपनी शिक्षण पद्धति, संसाधनों और गतिविधियों का समायोजन करने में मदद मिलेगी। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि विद्यार्थी वांछित उद्देश्य की दिशा में किस प्रकार प्रगति कर रहा है और आपका शिक्षण कितना सफल है। प्रगति और आपका शिक्षण कितना सफल है, ये देखने के लिए पढ़ाते समय आपको निरंतर ये सोचना है कि विद्यार्थी में सुधार हो रहा है या नहीं। इसके तीसरे पहलू पर बात करें, जो कि शिक्षण का बहुत ही बड़ा आवश्यक पहलू है, वो है पढ़ाने के बाद। शिक्षण के बाद किया जाने वाला आकलन पुष्टि करता है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा है और आपको दर्शाता है कि किसने सीखा है और किसे अभी मदद की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है ये देखना कि कितने बच्चों ने सीख लिया है, क्योंकि हमारी जो कक्षा है वो अलग अलग तरह के बच्चों से भरी रहती है। तो किसने सीखा है, किसको भी मदद की ज़रूरत है, इससे आप अपने शिक्षण के लक्ष्य को प्रभावी आकलन कर पाएंगे। अब हम आकलन के उद्देश्यों पर बात करेंगे। आकलन के उद्देश्य जो हैं,
आकलन उपकरण निर्धारण करने से पहले उसके हर एक उद्देश्य को बहुत ही ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में उद्देश्य बाकी शिक्षणों से थोड़े से भिन्न रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है ये एक तरह से दृष्टिकोण को बदलने की एक शिक्षा है। तो इसके उद्देश्यों में बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, यह जानना कि बच्चों ने कुशलताओं योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है, और बालकों और बालिकाओं की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करना तथा उनके दोषों को जानना। उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक बहुत ही अहम उद्देश्य है। तो प्रिय बच्चों, उपचार देना किसी को, किसी की भी शिक्षण में उसको उपचार देना, निदान देना, जिसको हम रेमिडियल भी कहते हैं, रेमिडियल टीचिंग कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना। बालकों की चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना, इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन हो सकता है। आकलन द्वारा प्रयोजन शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन करना है। अब प्रश्न ये आता है कि आकलन उपकरणों की हमें आवश्यकता पड़ी क्यों? यदि हमारी एक शिक्षक पढ़ाने से पहले भी, पढ़ाने के बाद भी और पढ़ाते समय भी सब कुछ देख रहा है, तो हमें आकलन उपकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रिय छात्र छात्राओं, प्रभावी और सूचनात्मक आकलन में शिक्षक कई तरह की आकलन रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जो विद्यार्थियों को सीखने के कई अवसर देकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कई अवसर देकर, क्योंकि जो आज की शिक्षा है, आज का आकलन है, वो एक अवसर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, कई अवसर देने हैं, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। तो कई अवसर देकर इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि वे क्या जानते हैं, वे क्या समझते हैं और वे क्या कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं इन बच्चों में होती हैं जो वो कर सकते हैं, परंतु हम उनको अवसर नहीं देकर जो वो कर सकते हैं उससे उनको वंचित कर देते हैं। आप छात्रों को सीखने के स्तर के बारे में जानकारी दर्ज करके भी आकलन कर सकते हैं कि वो क्या क्या सीख सकते हैं, उसकी जानकारी दर्ज करना, जिसको हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म के रूप में भी जानते हैं। जब आप किसी भी उपकरण की मदद से छात्रों की सीख की गहराई के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सीखने का आकलन होता है। इस दर्ज जानकारी के आधार पर जब आप सीखने के लिए आगे की गतिविधियों की योजना बनाते हैं, तो इसे सीखने के लिए, या जिसको हम उपचार भी कहते हैं, रेमिडिएशन कहते हैं, और उसके लिए हम जब नई रूपरेखा बनाते हैं, नई योजना बनाते हैं, तो वो हमारा एक उपकरण की आवश्यकता है, उपकरण का बहुत ही आवश्यक पहलू है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम उपकरण जब भी बनाते हैं, इसके कुछ पद होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो आकलन के उद्देश्यों का चयन व निर्धारण करना, ये इसका पहला पद है कि आकलन के उद्देश्यों का चयन करना और उसका निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषण, जो कि व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में जाना जाता है। आकलन प्रविधियों का चयन करना, आकलन प्रविधियों का प्रयोग और परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या व सामान्यकरण करना। ये मैं पदों की बात कर रही हूँ कि इस तरह से हम जब भी कोई आकलन का तरीका सोचते हैं, तो ये उसके पहले स्टेप्स होने चाहिए, पद होने चाहिए। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। हम अगर इसकी प्रकृति की आज चर्चा करें, तो आकलन के जो स्टेप्स की हमने बात की, वो क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। ये बालकों के परिणामों की गुणवत्ता, मूल्य और प्रभाव के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। तो प्रिय छात्रों, ये एक सतत प्रक्रिया है और पर्यावरण शिक्षा में सतत प्रक्रिया से ही हम एक बहुत ही प्रभावशाली आकलन कर सकते हैं। आकलन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर के संबंध में निर्णय करना होता है, और ये शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली एक प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि पर्यावरण शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, तो आकलन उपकरणों का चयन किस तरह से किया जाए, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं कि हमने ये चयन, ये उपकरण हमने इस बच्चे पर अभी हमने प्रयोग करना है। तो कोई भी उपकरण प्रयोग करने से पहले प्रिय छात्रों, ध्यान दें कि उपकरण जो है वो वैध होना चाहिए। वैधता, जिस उद्देश्य का आकलन करना हो
उस उद्देश्य का आकलन हो जाए तो समझिए वो उपकरण वैध है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास का पात्र, अर्थात जब आपको अंकों का बदलाव ना हो और दोबारा चेक करने पर भी अंक समान रहें तो जो आपने उपकरण प्रयोग किया था वो विश्वसनीय है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न विश्वसनीय होते हैं और निबंध वाले जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि विश्वसनीय नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता, जब भी हम आंकलन के उपकरण को चयन करते हैं तो वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आंकलन पक्षपात रहित होना ही चाहिए। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है और उसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती है। इसका अगला जो ध्यान देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है व्यापकता। आंकलन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात गहराई में आंकलन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना बहुत ही आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। उपयोगिता, अच्छा आंकलन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है। प्रिय छात्रों, अगर हम ध्यान दें तो जो शिक्षा का मुख्य ध्येय है वो है उपयोगिता। वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती जिसमें उपयोगिता ना हो। तो कोई भी शिक्षा उपयोगी होना बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह से आंकलन उपकरण का चयन करते हुए ये ज़रूर ध्यान में रखें कि वह उपयोगी हो। विभेदीकरण, आंकलन में बच्चों के विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि आंकलन की निष्पक्षता बनी रहे। विशेष उद्देश्य को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी आंकलन करने के लिए किसी भी आंकलन उपकरण को उपयोग करें तो उसका विशिष्ट उद्देश्य हमेशा ध्यान में रखें। सबसे उपयुक्त आंकलन तकनीक चुनना, और क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग काम कर रहा है, हर बच्चे में अलग तरह की जो है प्रतिभाएं छुपी हैं, तो इसलिए सबसे ध्यान में रखने की चीज़ ये है सबसे उपयुक्त आंकलन तकनीक चुनना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न हैं, कोई भी कक्षा में एक बच्चा दूसरे के समान नहीं है, तो आंकलन तकनीक भी समान कैसे हो सकती है। अब उपकरण विकसित करने के कुछ मूलभूत कदम हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। एक प्रासंगिक उपकरण तैयार करना, ये बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक प्रासंगिक उपकरण को तैयार करना, वैध, विश्वसनीय और लचीला बनाने के लिए उपकरण का अनुलेखन करना। ज़रूरी ध्यान दें कि एक जो उपकरण है आपका वैध है, विश्वसनीय है और लचीला, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन जो है उपकरण तैयार करते समय ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार एक ही उपकरण हर बच्चे पर सही नहीं बैठता है। आकलन उपकरण के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। उपकरण को शिक्षण सीखने की सामग्री से मेल खाना चाहिए, टेस्ट मान्य, विश्वसनीय और संतुलित होना चाहिए। सरल अवधारणाओं से शुरू करें और ये बहुत लंबा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। और ज़रूर याद रखें, सरल अवधारणाओं से शुरू करें। कोई भी उपकरण जो है, कोई भी आंकलन उपकरण है, उसको शुरुआत में सरल अवधारणा ही होनी चाहिए और ये बहुत लंबा और बहुत छोटा नहीं हो, इस बात का खास ध्यान रखें। समयबद्धता बहुत ज़रूरी है, समयबद्ध होना। जैसे हमारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, सत्य झूठे जिसको हम परीक्षण करते हैं, उसके लिए आधा मिनट प्रति आइटम, और जो बहुविकल्पीय होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके लिए एक मिनट प्रति आइटम जो है वो आप दे सकते हैं। एक छोटा उत्तर जिसमें बहुत छोटे वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो उसके लिए दो मिनट। एक सीमित निबंध प्रश्न के लिए 10 या 15 मिनट और एक व्यापक निबंध प्रश्न के लिए लगभग 30 मिनट का समय जो है वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगी आंकलन की विधियाँ क्या हैं, किस किस तरह से हम इनका आंकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो विधि है वो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ और मानवीकृत मापक होता है कि किसी भी बच्चे में क्या क्या उसके अंदर मनोवैज्ञानिक प्रतिभाएँ छुपी हैं, क्या उसकी कमजोरियाँ हैं, ये सब हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्रित करता है। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। व्यक्ति अध्ययन, जिसको हम केस स्टडी के रूप में भी जानते हैं, इस विधि में किसी आदमी के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संबंध में मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि की गहनता का अध्ययन किया जा सकता है।
प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन जिसको हम अवलोकन भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार कर सकते हैं। और ये जो अवलोकन की प्रक्रिया है ये पर्यावरण शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरण शिक्षा अवलोकन के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से उसका आकलन हम कर सकते हैं कि हमने, हमारा क्या उद्देश्य था, हमने क्या पाना था और हम कितना पा चुके हैं, बच्चों को और कितनी ज़रूरत है। आत्म प्रतिवेदन सेल्फ रिपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम बच्चों को खुद से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे उतना ही अच्छा आकलन हम उसका कर पाएंगे। इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। और संचित अभिलेख पत्र क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड जो होता है, जैसे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। घटनावृत्त, स्कूल में घटित होने वाली घटनाएं, दैनिक घटनाएं, इन सब का विवरण पर्यावरण शिक्षा में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं प्रिय छात्रों कि बच्चा कहीं जा रहा है, वो किसी चीज़ का अवलोकन करता है और जब वो वापस आकर, स्कूल आकर या घर आकर उस पूरी घटना को विस्तार से अपने शब्दों में लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, घटनावृत्त। और उसी के ऊपर हम किसी भी बच्चे का, उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी है, उसके अंदर जो विचार आ रहे हैं, उसका हम बहुत ही अच्छे से आकलन कर सकते हैं। और उन घटनाओं में किस छात्र की क्या उपलब्धि हुई है, इस बात का विवरण हम बच्चों को देकर उनकी उपलब्धियों को मापने में बहुत ही सहायक होता है। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, जिसमें कि हम बच्चों को ग्रेड देते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा या कम अच्छा, इस तरह से बहुत सारी रेटिंग स्केल्स होते हैं, निर्धारण मापनियाँ होती हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों की योग्यता, वो उपलब्धि को इस तरह जांचते हैं कि वह किस स्तर की है और उसे आगे कितनी ज़रूरत है सिखाने की या करने की। इससे ही को आगे बढ़ाते हुए हम एक और विधि जो कि बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, वो है पोर्टफोलियो। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह। पर्यावरण शिक्षा में विद्यार्थी बहुत सी ऐसी वस्तुएं एकत्रित करते हैं जिसको कि वो पोर्टफोलियो में लगाकर अपनी प्रतिभाओं को, अपने अंदर छुपी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। ये रोज़मर्रा के कार्य भी हो सकते हैं या शिक्षार्थी के कार्यों के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों के प्रकृति संग्रह, कार्मिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना। अब ये सब जब हमने इनकी बात की, सारी की सारी प्रक्रियाओं की बात की, आंकलन जो विधियां हैं उनकी बात की, ये सारी की सारी विधियां जो हैं ये क्या हैं, किसके ऊपर निर्भर करती हैं, हमारी सतत और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट जो कि तीन प्रकार से होती है, लिखित, मौखिक और प्रदर्शन। तो जब हम मौखिक की बात करते हैं तो ये छात्रों को सीधे शिक्षक के सवालों के जवाब देने या तैयार बयान रिपोर्ट पेश करने की अनुमति देता है। पर्यावरण शिक्षा के व्यवहारिक भाग के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पूरक परीक्षण हो सकता है, मौखिक जो हमने तकनीक की बात की वो। अब मौखिक तकनीक जो है वो बहुत से, उसके बहुत से स्वरूप हो सकते हैं प्रिय छात्रों, जिसमें कि बहस, डिबेट बहुत ही अहम है, जिसमें मौखिक प्रश्न हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं, प्रश्नोत्तरी है, चर्चा है, डिस्कशन है। तो ये सब हमारी मौखिक तकनीकें हैं जिसके द्वारा हम छात्र छात्राओं को बहुत ही अच्छे से जिनका आकलन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लिखित तकनीकों की, तो ये ऐसी तकनीकें हैं जिसमें छात्रों को स्वयं प्रश्नों, परिस्थितियों के उत्तर देने के लिए एक निर्धारित समय सीमा प्रदान की जाती है। और ये जो लिखित तकनीक है, इसके बहुत तरह के तरीके हो सकते हैं, जैसे कि उद्देश्य प्रकार, निबंध हैं, लघु उत्तर हैं, तो ये बहुत अलग अलग तरह से डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की पद्धति, किस तरह की जो तकनीक है उसको यूज़ करते हैं। इसके आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पर्यावरण शिक्षा में, वो है परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसको हम प्रदर्शन जाँच भी कहते हैं। प्रदर्शन पर्यावरण शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन है, जिसके लिए विद्यार्थियों को वास्तव में कार्य या गतिविधि करने की आवश्यकता होती है। तो प्रिय छात्रों, आप देखेंगे कि प्रदर्शन करने के बहुत अलग अलग ढंग हो सकते हैं, जैसे असली व नकली परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देना, सामग्री या उपकरण में जोड़ तोड़ करना, चित्र बनाना, निर्देशों का पालन करना, सीमित समय में एक श्रृंखला को निष्पादित करना, बच्चों को एक प्रयोग करने में प्रवीणता प्रदान करना।
तो ये जो प्रदर्शन जांच है ये बहुत जरूरी है और बहुत ही अभिन्न अंग है पर्यावरण शिक्षा का। अवलोकन, मैंने पहले भी बात की, अवलोकन जो है पर्यावरण शिक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाता है और अवलोकन के द्वारा हम बहुत ही अच्छा आकलन एक बच्चे का कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उसकी आदतें और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण, स्वतंत्र रूप के साथ ही सहयोगी रूप से काम करने की योग्यता, कक्षा में विविधता का उत्तर देना और विचारों और समझ का विकास। तो सारांश में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के इस सत्र में हमारी इस चर्चा से ये स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान विद्यालयी शिक्षण आकलन व्यवस्था में व्यापक सुधारों की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आकलन तकनीकों का सुधार करें। आकलन की प्रक्रिया कक्षाओं में चल रही सीखने सिखाने की ही एक प्रक्रिया है और आकलन के वही तरीके अच्छे होते हैं जो बच्चों को सीखने की गति और सिखाने के तरीकों के अनुरूप होते हैं। तो इसी के साथ, डियर लर्नर्स, मैं आपका धन्यवाद दूंगी और हम इस सत्र को आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।